हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद सुधी। दिस इज योर ओन डिजिटल क्लासरूम। काफी दिनों से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी कि द पेपर मनांजरी का एक्सप्लेनेशन वीडियो कर दीजिए। सो हियर ऑन इंग्लिश विद SWS, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट ऑल द स्टोरीज टू बी डन एक्सप्लेन इन हिंदी, बोथ मैकबेथ एज वेल एज प्रिज्म एंड रैप्सोडी। इसके साथ साथ जो भी इंग्लिश लैंग्वेज से जो मुझसे बन पाएगा, क्योंकि मैं वो कोर्स ऐप पर नहीं कर रहा हूं, वो मदद मैं यहां पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस रेगुलर चाहते हैं, तो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। ओके, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस, स्पेशली दोज हु आर मोर कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग इट इन इंग्लिश, ओके, सिंपल इंग्लिश, बिकॉज उन सभी उस भाषा का आप इस्तेमाल अपने आंसर्स में भी कर सकते हैं, वो फायदा जरूर होता है। तो इफ यू वांट दोस एक्सप्लेनेशन वीडियोस, नोट्स, वेरी डिटेल्ड नोट्स, एमसीक्यूज, रीजनिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स जो 5 or 10 mark के आते हैं, एंड डाउट सॉल्विंग, तब यू कैन डाउनलोड द स्टडी विद सुधीर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड कनेक्ट विद अस, एनरोल इन टू द कोर्सेस। दैट्स वॉट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे इनफैक्ट क्लास 11 के इंग्लिश लिटरेचर के कोर्सेस में हैं। तो आपकी मर्जी, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, अगर आप ऐप से पढ़ना चाहते हैं दैट वुड बी इवन बेटर बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा ऑन द ऐप। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन शुरुआत करने से पहले, ये एक्चुअल मनांजरी है क्या, म इसका प्रोनंसिएशन कैसा होता है, मनांजरी, ओके, दैट्स हाउ इट इज pronounced. मैं specifically check किया था because मेरे लिए भी एक नया शब्द था। Now you see, पहले मैं paper को छोड़ देता हूँ, सिर्फ मनांजरी की बात करता हूँ। Okay, it's a collection of captive animals, यानी कि जो जंगली जानवर है उनको बंदी बनाकर इस तरीके से cages में रखा जाता है। It's like a private collection, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो इस तरह के exotic animals को, leopard हो, cheetah हो, tiger हो, उन सभी को एक तरह से एक केज में बांध कर, इट यूज टू बी द काइंड ऑफ ट्रेंड आउट देयर। और ये 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, जब उस तरह का एक कलेक्शन को डिस्प्ले किया जाता था। अगर मेरे पास 4 tiger हैं, 3 cheetah हैं, तो आई एम कंसिडर्ड टू बी एन एक्सट्रीमली अमीर ज्यादा। ओके, कि मेरे पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, 4 sher हैं, 4 baghs हैं, 2 cheetahs हैं, 3 leopard है, राइट, सो यू हैव, एक हाथी है, सो यू नो यू हैव ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। इट वॉज कंसिडर्ड ए प्रेस्टीज, ए स्टेटस सिंबल ऑफ सॉर्ट। ओके, इसीलिए मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई है, ये पेंटिंग दिखाई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का मनांजरी को एक्चुअल का मीनिंग क्या था। ओके, नाउ उसके बाद ग्रेजुअली ये सब बातें ठीक नहीं लगती थी, तो ग्रेजुअली मनांजरी गॉट कन्वर्टेड इन टू द ज़ूस, जिस तरह से हम ज़ूस को आज जानते हैं, चिड़ियाघर को जानते हैं ना, चिड़ियाघर इज एन इवॉल्व्ड वर्शन ऑफ द मनांजरी। ओके, सो आपको बेसिक बैकग्राउंड इसका समझ में आ गया। ओके, सो दैट इज व्हाट इज मनांजरी। सो इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर ए कलेक्शन ऑफ अनयूजुअल और एक्सॉटिक एनिमल्स। ओके, दैट इज द थिंग। पेपर मनांजरी क्या है, ये इस बुक का कवर है। ओके, इसमें आप वो टाइगर देख रहे हैं जो कि इसमें एक प्रमुख किरदार कह सकते हैं, राइट, सो केन ल्यू जो इसके ऑथर हैं, द पेपर मनांजरी एंड अदर स्टोरीज। ओके, सो दिस इज द कवर। पहली मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ये जो इसके बुक के पहले, कहानी से पहले जो नोट लिखते हैं उसको आप जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि ये कहानी किस बारे में है, और ऑथर के बारे में भी आपको आइडिया मिल जाए। सो इस बॉक्स को पढ़ना मैं कहूंगा जरूरी है for you to understand the context, okay? तो ये आप जरूर पढ़ लीजिए, इसमें से कुछ words को MCQs में भी पूछा जा सकता है, so especially the last bit of the box, so वो ये box तो आप पढ़ लेंगे, मैं वैसे भी इसमें story में explain कर ही दूंगा, okay? तो this is the paper menagerie. Now इसका मैं और close-up दिखाता हूँ before we get directly into the story, ताकि आपको visually आप इस story को imagine कर पाएं, ये काफी जरूरी है, और ये काफी भावुक, काफी emotional story है। Let me tell you that मैंने तकरीबन 10-12 बारी पढ़ चुका हूं मैं अभी तक, in order to prepare myself for this story, और हर बारी मेरे को रोना आया है,
right? It leaves me very emotional. So this is a paper menagerie. The way it is made with paper, lekin ye tiger ki tarah hai, right? So it is with paper, a lot to do with the imagination of the child. Ki us bacche ki, Jack ki imagination par kaafi nirbhar karta hai ki wo usme kya kya dekhta hai. But this is basically the craft, art and craft ka kaam hai. To is tarah se paper menagerie ko banate hain in order to give them life. Aur ye चाइना में काफी पॉपुलर है, जापान में काफी पॉपुलर है, और इसमें ड्रैगन हुआ, लोटस हुआ, टाइगर हुआ, इस तरह के जो यू नो द काइंड ऑफ एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड, दे आर वेरी पॉपुलर. सो दैट्स व्हाट रियली हैपेंस. सो इसमें जब वो आएगा तब मैं स्टोरी के अंदर ही बताऊंगा. सो द पेपर एनिमल्स वर आर्टिस्टिक बिकॉज ऑफ द background from which Jack's mother comes, who is see the main two character kaun hai, ek Jack hai, first person account hai, aur uski ma, uske father, and later on his girlfriend, right? So these are the four main characters and the paper menagerie, the tiger which his mother makes. Okay, so let's get started. Is story se shuruaat karte hain. Main zyada tar hindi mein bolunga, jahan par zarurat padi angrezi to obviously karni padegi because aapko keywords ka bhi batana padega. Lamba video hoga lekin aaram se sun lijiye. अच्छी कहानी है. ओके, इट्स प्रॉब्ली अमंग योर फाइव चैप्टर्स इन क्लास 11. आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्टोरी. ग्रामेटाइजेटर ऑल्सो ऑफकोर्स इज अ वेरी गुड स्टोरी, बट दिस वन आई थिंक इज रियली इमोशनल. वन ऑफ माय अर्लीएस्ट मेमोरी स्टार्ट्स विद मी सॉबिंग. ओके, मेरी सबसे पहली याद थी कि मैं रो रहा था. ओके, आई रिफ्यूज टू बी सूथ्ड. दिलासा देने की कोशिश की लेकिन मुझे दिलासा नहीं दे पाए. ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं. वैसे भी आपके पास किताब होगी सो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी. मैंने इसको 200% पे इंक्रीज कर दिया फॉन्ट साइज, फिर भी थोड़ा छोटा ही लग रहा है. ओके, मैं और बड़ा करूंगा तो स्क्रीन से बड़ा चला जाएगा. नो मैटर व्हाट डैड, मॉम एंड डैड ट्राइड, दोनों ने कोशिश की, मेरे फादर एंड मदर ने, लेकिन मैं रोने का मेरे जो टीयर्स थे वो स्टॉप नहीं हो रहे थे. डैड गेव अप, फादर ने कहा छोड़ो इसको, एंड ही लेफ्ट द बेडरूम. बट मॉम टुक मी इनटू द किचन एंड सैट मी डाउन एट द ब्रेकफास्ट टेबल. सो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी. कैन कैन शी सेड. ओके, कैन कैन का मतलब है लुक लुक. ओके, यहां पे इस एडिशन में, लेकिन आपके इस प्रिज्म वाले एडिशन में लुक लुक भी दिया हुआ है. ओके, सो कैन कैन का मतलब है लुक लुक. शी सेड एज शी पुल्ड अ शीट ऑफ रैपिंग पेपर फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ द फ्रिज. सो फ्रिज के ऊपर से एक रैपिंग पेपर निकाला. For years, mom carefully sliced open the wrappings around Christmas gifts. So Christmas ke gift ke time par, jo bhi paper wrapper aata tha, very middle class mentality, un sabhi paper ko sambhal ke rakhti thi, lekin uska ek maksad tha. Okay, to usko bacha ke rakhti thi. She set the paper down plain side facing up and began to fold it. To uske saath wo craft ka kaam karna shuru ki. Okay, and this child was obviously fascinated ki kuch naya ho raha tha, to usne rona band kar diya. Okay, I stopped crying and watched her curious. She turned the paper over and folded it again. She pleated, packed, tucked, rolled and twisted until the paper disappeared between her cupped hands. Then she lifted the folded up paper packet to her mouth and blew it like a balloon. Aur usme hawa bhari. Okay, so she made the craft ke saath that particular object and blew air into it. The air, her breath. This is important. Ma ki saans उस ऑब्जेक्ट में थी. सो इट बिकेम लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हर ओन पर्सनैलिटी. कैन लुक शी सेड लाहो. ओके, नाउ लाहो इज द, इसको आई मीन चाइनीज वर्ड है तो इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस भी कर सकते हैं. गूगल में डिक्शनरी में मीनिंग इसका प्रोनाउंसिएशन एल ए ओ एच यू लाहो काइंड ऑफ थिंग दिस थिंग, और इसका मतलब है टाइगर इन चाइनीज लैंग्वेज. ओके, सो चाइनीज लैंग्वेज में टाइगर को लाहो बोलते हैं. ओके, सो शी पुट हर हैंड्स डाउन ऑन द टेबल एंड लेट गो. ए लिटिल पेपर टाइगर स्टूड ऑन द टेबल. तो एक पेपर टाइगर जिसकी कि मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई, इस तरह से टेबल के ऊपर वहां पर पड़ा हुआ था. ओके, स्टूड ऑन द टेबल द साइज ऑफ टू फिस्ट, यानी कि छोटा सा था, दो इस तरह से, दिस इज अ फिस्ट, सो टू फिस्ट टूगेदर, सो इतना साइज था. And that also of a small child. So you can imagine how small it would have been. कि कितना छोटा रहा होगा. Okay. और बड़ा करूँ क्या? Okay. दिख रहा है ना? I think it is fitting into the screen. Perfect. Okay.
द स्किन ऑफ द टाइगर वॉज द पैटर्न ऑन द रैपिंग पेपर. तो उसका जो उसकी जो स्किन थी दैट वॉज द पैटर्न ऑन द पेपर. जो जिस तरह का क्रिसमस का रैपिंग पेपर था दैट बिकेम द आउटर कवरिंग ऑफ दैट स्किन्स टाइगर. White background with red candy canes and green Christmas trees. So Christmas के time पे जिस तरह का gift wrapper आता है वही उसका skin बन गया उस tiger का. I reached out to mom's creation. तो इसने रोना बंद किया बच्चे ने और उसने उस चीज को उठाया. Its tail twitched. उसकी पूंछ हिली and it pounced playfully at my finger because उसमें एक सांस भरी थी so it could move. Okay, or at least this could also be part of the child's own imagination also. So it kind of, because when you are children, aapko yaad hoga jab aap bacche the, I mean aur chote the, abhi bhi bacche hi hain, jab aap chote the tab aap khilonon ke sath khelte the. A lot of how that khilona is behaving ye aapki apni imagination par nirbhar karta tha, right? Ki aap imagine karte the ki is gaadi mein chor bhag raha hai, dusri gaadi mein police uska peecha kar raha hai. तो ये काफी जो नाटकीय रूप से आप खेलना पसंद करते थे वो आपकी अपनी इमेजिनेशन पर निर्भर करता था, राइट. सो सिमिलरली हियर ए लॉट ऑफ द थिंग्स आप देखेंगे कि आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसा हो सकता है, तो ये शायद उसकी खुद की इमेजिनेशन भी थोड़ी सी मिक्स्ड अप हो गई है. तो यहां पर इट काइंड ऑफ रॉर्सा इट ग्राउल्ड इट साउंड समवेयर बिटवीन ए कैट एंड रस्लिंग न्यूज़पेपर्स. So, जिस तरह की उसकी आवाज थी दैट वॉज एक बिल्ली की आवाज और न्यूज़पेपर के यू नो इफ द न्यूज़पेपर्स हैव फ्रिक्शन बिटवीन देम उसमें किस तरह की आवाज आती है. आप पेपर्स को दो पेपर को आप रसल करेंगे तो किस तरह की आवाज आती है उसी तरह की आवाज आई. ये हंसा स्टार्टल थोड़ा सा ही वॉज ए लिटिल टेकन अबैक ऑल्सो एंड स्ट्रोक्ड इट्स बैक विद एन इंडेक्स फिंगर. अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ उसने उसकी बैक को स्ट्रोक किया. The paper tiger vibrated because usme uski maa ki saans hai and that is what is creating all this effect. Under my finger, purring. Purring is the sound of the tiger. Zezio Zeji. Mom said, this is called origami. Isko origami kehte hain. Now, origami kya hai? Origami is the traditional art of folding paper into attractive shapes to make decorative objects. Ye origami ka definition hai. ओरिगैमी चाइना में शुरू हुई थी लेकिन पॉपुलराइज हुई जापान में, इसलिए आज की दुनिया में आज की तारीख में इसको जापान के साथ ज्यादा एसोसिएट किया जाता है लेकिन इसका ओरिजिन है चाइनीज. ओके, ओरिगैमी जो शब्द आता है दैट कम्स फ्रॉम ओरु. ओके, उसका दो शब्द है, उसको अगर आप ब्रेकअप करें ओरिगैमी को तो दो शब्द है ओरु और KAMI which is called paper. Origami इसका अर्थ है पेपर और ओरू का नाम है फोल्ड, टू फोल्ड, टू फोल्ड पेपर, और इसी से ये शब्द आया है origami. So he says I did not know at this time but mom's kind was special. Okay, so ये दूसरी शताब्दी second century BC में चाइना में शुरू हुआ था लेकिन सब्सिक्वेंटली इट वेंट ऑफ टू जापान एंड देयर इट बिकेम ए मोर पॉपुलर आर्ट फॉर्म. सो ड्रैगन हुआ, फ्रॉग हुआ, टाइगर हुआ, लोटस हुआ, दीज आर सम ऑफ द मोर पॉपुलर ओरिगामी स्ट्रक्चर्स और दैट्स हाउ दिस होल मेनेजरी इज ऑल्सो मेड. मेनेजरी मेरे को प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है इसका. सो द फैक्ट दैट माँ उसके अंदर अपनी सांस डाल रही है. Please note down this point. It is making a connect between her and the animal that she has created. That is the tiger, right? So, it becomes an extension of the mother's personality. Okay. And dekhenge hum isme ki son calls it the magic. Aur ye kafi important hai. So, he says, yahan pe keh raha hai, it was her magic. I did not know at this time, but mom's kind was special. She breathed into them. This is important. Okay. इसका मैं बाद में ही बताऊंगा दिस ब्रीदिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो दैट दे शेयर्ड हर ब्रेथ एंड दस मूव्ड विद हर लाइफ. सो शी इज काइंड ऑफ यू नो इट्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हर पर्सनालिटी और उसने माँ ने उसमें एक तरह से जिंदगी फूंक दी है, सांस फूंक दी है. सो शी हैज गिवन देम लाइफ, शी हैज ब्रॉट देम टू लाइफ एंड ही थिंक्स दिस इज मैजिक. सो बच्चा काफी फैसिनेटेड है कि उसकी माँ ने किस तरह का फैसिनेटिंग क्रिएशन किया है. ओके, सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट. आई होप यहां तक समझ में आ गया. इसके बाद
He's telling us about the background of the mother. Okay, dad had picked up mom out of a catalog. Now, this particular sentence is very significant even from examination point of view. Okay, iska matlab kya hai? Aur iska arth kya hai? You know, iska in the sense, iska larger meaning kya hai? Basically, ye ki Jack's mother had met mom through a catalog, through an introduction service. Hong Kong mein, American men ke liye, Hong Kong women, Chinese women ko, Chinese origin women ko milate the in order to get married. Okay, so this was a common practice in the 1970s. Ye kahani 1970s mein essentially set ki gayi hai because 1957 mein janm hua tha Jack ki mother ka. So the story is basically, the background is set in the 1970s. So catalog mein milne ka matlab hai ek, ki that was a very impersonal tarika. You know, aap kisi ke baare mein किताब में या कैटलॉग में पढ़ रहे हैं, उसको देख के आप देख रहे हैं, ओके मैं इसे शादी कर लूंगा, काइंड ऑफ थिंग. सो इट्स अ वेरी इंपर्सनल, यू डोंट नो द पर्सन, आपको पहचान नहीं है दूसरे व्यक्ति की, लेकिन आप शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट. दूसरा और ये काफी इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स ऑल्सो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द मदर, कि एक मदर को एक कमोडिटी की तरह, उस औरत को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया गया है, कि यू नो शी इज देयर जस्ट एज अ मेंशन इन द कैटलॉग एंड समबडी फ्रॉम द यूएसए कम्स एंड डिसाइड्स दैट ही विल मैरी हर, राइट. सो इट इज एन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द मदर, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसका इस्तेमाल भी आप अपने आंसर्स में कर सकते हैं. सो ये पूरा जो चाइनीज और अमरीकी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप्स, उसके ऊपर इस बात से हमको पता चलता है कि किस तरह से एक तरह से रिलेशनशिप्स वर फोर्स्ड at that point in time in the 1970s. Okay, one time when I was in high school, I asked dad about the detail. He was trying to get me to speak to mom again. Okay, because unka ek tarah se communication snap ho gaya tha. Okay, so he says he had signed up for the introduction service back in the spring of 1973. Yani ki 1973 ki baat hai, jab catalog mein मिलने से पहले he had signed up for the introduction service because he wanted to get married. Flipping through the pages steadily, I had spent no more than a few seconds on each page until he saw the picture of mom. I have never seen this picture. Dad described it. Okay, कि उन्होंने मॉम की तस्वीर देखी, उसने कहा कि मैंने ये तस्वीर नहीं देखी. So dad ने उस तस्वीर को उसका बयान किया कि मॉम वहां पर बैठी थी, her side to the camera, wearing a tight green silk Chion's gam, which is some kind of a gown in Chinese. Her head was turned to the camera so that her long black hair was draped artfully over her chest and shoulder. She looked out at him with her eyes of a calm child. Is description ke words, jo key words hai, usko yaad kar lijiye, kyunki agar is samay ke baare mein aap se prashn poocha jaye, you will be able to talk about it. Okay, so you can quote these words. That was the last page. That was the last page of the catalog I saw. Okay, yani ki usne father ne decide kar liya ki main is ladki se shaadi karunga aur ye catalog ki aakhri page tha, yani ki usne aur panne nahi palte. The catalog said she was 18 saal ki 1957 born. To 1973 mein kitne ki hogi? She would be 1967. She would be about 16 years, लेकिन उसको 18 साल बताया गया था, शायद बताने के लिए कि ये adult है. Okay, love to dance, ये दूसरी बात कही गई थी. तीसरी बात कि वो अच्छी अंग्रेजी बोलती है, ये तीसरी बात कही गई थी. ये तीनों important हैं, तीनों को mark कर लीजिए अपनी किताब में 1, 2, 3 की तरह, because she was from Hong Kong. None of these facts turned out to be true. ये तीनों बातें झूठ थी. वो 18 साल की नहीं थी, 16 साल की थी, बिकॉज हमको बाद में बताया जाएगा कि उनका जन्म 1957 में हुआ था, 1957 में हुआ था. ओके, और यानी कि वो 16 साल की थी, ये 1973 की बात है. दूसरी बात कि वो अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, ये बिल्कुल सही नहीं था, बिकॉज उनको सिर्फ चाइनीज भाषा ही मालूम थी. तीसरी बात कि उनको डांस करना पसंद है, जो कि उनको मालूम नहीं था. ओके, तो नन ऑफ दीज फैक्ट्स टर्न्ड आउट टू बी ट्रू. सो इससे आपको एक बात पता चल जाती है कि उनका जो पूरा रिश्ता है, दैट वॉज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ लाइज, झूठ पर आधारित था उनका इनिशियल रिश्ता. उसके फादर ने उसको लिखा, उसकी मां को लिखा, एंड द कंपनी पास देयर मैसेजेस बैक एंड फोर्थ. फाइनली ही फ्लू टू हांगकांग टू मीट हर. द
The people at the company had been writing her responses. She did not know any English other than hello and goodbye. So, sirf hello or goodbye hi usko angrezi mein likhna aata tha ya bolna aata tha. Uske alawa, Jack ki maa ko angrezi katai nahi aati thi, bilkul nahi aati thi. वो कंपनी में लोग उसके बिहाफ पर लेटर्स लिख रहे थे और उसके फादर को ऐसा लग रहा था कि इसको तो अच्छी अंग्रेजी आती है तो आई कैन मैरी हर. व्हाट काइंड ऑफ वुमन पुट्स हरसेल्फ इनटू अ कैटलॉग सो दैट शी कैन बी बॉट. ये जैक इज थिंकिंग कि नो बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट एज अ कमोडिटी. आप खाने के लिए मेनू कार्ड पढ़ते हैं, मेनू कार्ड पे ऑल दोस थिंग्स आर आइटम्स, दे आर नॉट ह्यूमन, है ना. क्या कोई व्यक्ति अपने आप को एक कैटलॉग में डालेगा कि यू नो कि मैं भी अवेलेबल हूं. दैट शोज दैट यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग योरसेल्फ, यू आर कमोडिफाइंग योरसेल्फ, कि आप अपने आप को एक तरह से सेल पर डाल रहे हैं. उस तरह की एक भावना मन में आती है, राइट. द हाई स्कूल मी थॉट आई न्यू, द हाई स्कूल मी थॉट, दिस इज एन इन्वर्जन बींग यूज, यानी कि यू नो मैं हाई स्कूल में था उस समय पर जब ये बात उसको बताई जा रही थी. So much about everything. और मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ मालूम है. Contempt felt good like wine. Now this is an important line. He's saying that you know it gave him a contempt, मतलब कि दूसरों को एक हीन भावना से देखना. तो वो उस भावना से मुझे अच्छा लगता था. You know I used to feel good and he felt you know कि मैं अपनी माँ से बेहतर हूँ और मुझे अपने Chinese heritage के बारे में शर्म करने की ज़रूरत नहीं है because मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, right? And it was his way of, you know, कि मैं उस Chinese heritage से अलग हो जाऊं, right? और मुझे ऐसा लगे कि मैं अपनी माँ से बेहतर हूं जो कि Chinese origin की है. So you see what is happening is that the entire narrative is going back and forth. तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा. वो अभी की बात भी कर रहा है, पहले की बात भी कर रहा है जब उसके फादर ने उसको बताया, और उससे पहले की बात बता रहा है 1973 की जब उसकी फादर की मुलाकात उसकी माँ से हुई थी. So we are talking of three stages. I repeat, अभी की बात, the second stage when the father is talking about what was happening in 1973. So you are talking of two different levels, not three, two different levels. Okay. Instead of storming into the office to demand his money back, he paid a waitress at the hotel restaurant to translate for them. तो जब मुलाकात हुई तो एक ट्रांसलेटर का भी उसने इंतजाम कर लिया उसके फादर ने. She would look at me, her eyes halfway between scared and hopeful. तो वो उसकी आंखों में किस तरह के, उसकी माँ की आंखों में किस तरह का एक्सप्रेशन था, डर का और एक उम्मीद का. Scared and hopeful. डर भी था, थोड़ी उम्मीद भी थी. उम्मीद इसलिए थी, और इसको हमको बाद में पता चलेगा क्यों उम्मीद थी, क्योंकि वो वहां से हांगकांग से एस्केप करना चाहती थी, भागना चाहती थी. वो चाहती थी कि मेरी जिंदगी सुधर जाए अगर मैं यहां से निकल पाऊं, और इसीलिए थोड़ा सा उसको डर भी था. While I spoke, and when the girl began translating what I said, she would start to smile slowly. तो उसको थोड़ी सी उसकी उम्मीद जागी. He flew back to Connecticut, that is in USA, and began to apply for the papers for her to come to him. I was born a year later in the year of the tiger. Year of the tiger है 1974. हर 12 साल में चाइनीज जोडियक साइंस के मुताबिक हर 12 साल में टाइगर का ईयर आता है. लाइक 1974 वाज द ईयर ऑफ द टाइगर. डिफरेंट ईयर्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट ईयर्स ऑफ द रूस्टर, ऑफ द ड्रैगन, डिफरेंट ईयर्स काइंड ऑफ थिंग अकॉर्डिंग टू द चाइनीज कैलेंडर. तो 1974 में उसका जन्म हुआ बेटे का, ऑथर का, जो कि इस कहानी को बता रहा है. ओके, 1973 में उनकी मुलाकात हुई थी. आपको ये साल याद रखने पड़ेंगे बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू रिलेट कि कब की कहानी बताई जा रही है. एट माई रिक्वेस्ट मॉम ऑल्सो मेड ए गोट, ए डियर एंड ए वॉटर बफलो आउट ऑफ द रैपिंग पेपर. नाउ हियर अभी वापिस वर्तमान में आ गया है. दे वुड रन अराउंड द लिविंग रूम. नाउ ही इज इमेजिनिंग कि ऑल दोस एनिमल्स आर रनिंग अराउंड द लिविंग रूम व्हाइल लाहो चेज्ड आफ्टर देम ग्राउलिंग. When he caught them, he would press down until the air went out of them and they became just flat folded up pieces of paper. So, wo, now can you imagine that one paper toy would run after the other? Wo possible nahi tha. So, a lot of it aapko ye dhyan mein rakhna padega is also the imagination of the little child. Okay. I would then have to blow into them to reinflate them so they could run around for some more time. So, ye uske khilone ban gaye. Tiger to tha hi, jiska naam bataya gaya hai, iske saath saath ek bakri, एक हिरन और एक
भैंस. Sometimes the animals got into trouble. Now, this is all very childish kind of thing. The animals got into trouble. Once a water buffalo jumped into a dish of sauce on the table at dinner. He wanted to wallow. Wallow ka matlab hota hai to lie and roll around in water. You know, pani mein generally roll around. I picked him out quickly, but the capillary action had already pulled out the dark liquid high up to his legs. The sauce softened legs would not hold him up and he collapsed into onto the table. So, buffalo ke andar se puri hawa nikal gayi because wo pura jo kagaz tha, pura soggy ho gaya tha. Maine usko dhoop mein sukhaya, lekin uske legs kafi tede mede ho gaye the aur wo bhagta tha with a limp. Mom eventually wrapped his legs in saran's wrap. Saran's wrap is some kind of a thin plastic film kind of a thing. So that he could wallow to his heart's content, just not in soy sauce. So, it's a bit of a humor being introduced. On किस तरह से उसकी मदर उसकी यू नो उसके टॉयज की देखभाल भी करती थी. Somehow trying to manage that. Also, Lahu liked to pounce at sparrows when he and I played in the backyard. But one time a cornered bird struck back in desperation and tore his ear. उसका कान फाड़ दिया because obviously it was made of paper. He whimpered and winced as I held him and mop patched his ear together with tape. He avoided birds after that. So you see, obviously, a paper tiger will not know. So, he avoided birds after that. It's also a lot to do with Jack's own imagination, right? Ki iske baad wo chidiyon ke piche nahi bhagta tha, you know. It's all his imagination intertwined with the life that the paper tiger had got from his mother. And then one day, I saw a TV documentary about sharks and asked mom for one of my own. Ki mujhe bhi ek shark chahiye, is tarah ka ek paper shark. She made the shark, but he flapped about on the table unhappily. I filled the sink with water. तो उसको पानी की ज़रूरत थी. तो उसने सिंक में पानी भरा और उसमें डाल दिया. He swam around and around happily. However, after a while, he became soggy and translucent and slowly sank to the bottom. The folds coming undone. I tried to reach in to rescue him, and all I ended up with was a wet piece of paper. So basically talking about what all had happened. Lahu put his front paws together at the edge of the sink and rested his head on them. Ears drooping, he made a low growl in his throat that made me feel guilty. Okay, so he's talking about the fact that kis tarah ki zindagi, kis tarah ka bachpan uska us un janwaron, un kagzi janwaron ke saath. Wo ek film hai Gurudat ki, Kagaz ke Phool, right? So it's a bit like that, you know, kagzi janwar. उसके साथ उसकी जिंदगी, उसका बचपन किस तरह से बीता था, उसका जो पूरा एक इमेजिनेशन का सिलसिला था, उसके साथ उसकी जो कहानियां थी कि शार्क ने क्या किया, टाइगर ने क्या किया, बफलो ने क्या किया. मॉम मेड ए न्यू शार्क फॉर मी, दिस टाइम आउट ऑफ टिन फॉयल. द शार्क लिव्ड हैप्पीली इन अ लार्ज गोल्ड फिश बाउल. लाहू एंड आई लाइक टू सिट नेक्स्ट टू द बाउल टू वॉच द टिन फॉयल शार्क चेजिंग द गोल्ड फिश. लाहू स्टिकिंग हिज face up against the bowl on the other side that I saw his eyes magnified to the size of coffee cup staring at me from across the bowl. So all this are like his childhood imagination and playfulness being described in great detail. Jab main 10 saal ka hua, yani ki 1984 ki baat aa rahi hai. So you yahan par agar aap yahan par 1984 likh dijiye taki aapko uske age ka aur saal ka ehsaas ho. We moved into a new house across town. Two of the women neighbors. Now, abhi yahan par kahani thodi si twist hoti hai. Abhi tak he was enjoying all this paper tiger and all the toys that his mother was making. Do padosi aaye. Okay, dad ne unko serve kiya and then he said ki mere ko jana padega kyunki kaam hai company par, right? He says make yourself at home. Yani ki apne aap ko comfortable kijiye. Meri biwi zyada angrezi nahi bolti hai, to aisa mat sochiye ki wo thodi si khadus hai ya thodi si rude hai. जब मैं डाइनिंग रूम में पढ़ रहा था, मॉम वॉज अनपैकिंग इन द किचन और पड़ोसी आपस में बात करने लगे. एंड ही सेज ही सीम्स लाइक अ नॉर्मल एनफ मैन, व्हाई डिड ही डू दैट. यानी कि फादर की बात हो रही है कि देखने में तो सही बंदा लग रहा है, व्हाई उसने ऐसा क्यों किया, यानी कि चाइनीज लड़की से शादी क्यों की. Something about the mixing never seems right. You know, ki is tarah se ek Amerikee father aur ek Chinese maa ke hone se jo product paida hua hai, yani ki Jack jo paida hua hai, wo somehow thik thak nahi lagta hai, right? The child looks unfinished. Yani ki wo, he looks like an unfinished product. Ye unfinished
इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. यानी कि उसके जो फिजिकल लुक्स थे, फिजिकल फीचर्स थे, ये लुक वेरी अनफिनिश्ड. ये उस उन अमेरिकी औरतों का मानना था, उनकी राय थी, उनका पर्सपेक्टिव था, राइट. स्लांटी आईज, यानी कि आंखें जो थोड़ी सी टेढ़ी हैं, व्हाइट फेस, ए लिटिल मॉन्स्टर, और उसको एक छोटा राक्षस कहा, विच इज बीइंग वेरी रूड. डू यू थिंक ही कैन स्पीक इंग्लिश? क्या तुमको लगता है वो अंग्रेजी बात कर सकता है? एंड उसके बाद वो डाइनिंग, हेलो देयर, व्हाट्स योर नेम? जैक. ओह जैक, दैट डजंट साउंड वेरी चाइनीज. यानी कि चाइनीज नाम नहीं है, जैक तो अमरीकी नाम है. उसके बाद मॉम आई, शी स्माइल्ड एट द वुमेन, द थ्री ऑफ देम स्टूड इन अ ट्रायंगल अराउंड मी स्माइलिंग एंड नॉडिंग एट ईच अदर विद नथिंग टू से अंटिल डैड केम बैक. यानी कि उनको, बिकॉज उसकी माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इसलिए कुछ बातचीत नहीं हो पाई. मार्क, वन ऑफ द नेबरहुड बॉयज, केम ओवर विद हिज स्टार वॉर्स एक्शन फिगर्स, ओबी वॉन केनोबी लाइट सैबर लिट अप, ये उसका खिलौना था, एंड ही कुड स्विंग हिज आर्म्स एंड से इन अ टाइनी वॉइस, यूज द फोर्स. I didn't think the figure looked much like the real Obi-Wan at all. Okay. Together we watched him repeat this performance 5 times on the coffee table. Can he do anything else? I asked. Mark was annoyed by my question. Look at all the details, he said. I looked at the details. I wasn't sure what I was supposed to say. Ki kya ye khilona kuch aur kar sakta hai? So Mark was disappointed. Ki usko laga ki, you know, mere ek itne costly khilone ki yahan par tarif nahi ho rahi hai, uski koi appreciation nahi ho rahi hai, right? To usko thoda sa disappointment hua. He says, तुम्हारे पास जो खिलौने वो दिखाओ. तो मेरे पास सिर्फ वो पेपर मैनेजरी को छोड़ के और कोई खिलौना नहीं था. तो उसने अपने शेर को बाहर लेके आया, अपने टाइगर को बाहर लेके आया, और तब तक वो काफी उसके ऊपर काफी टेप वगैरह लगी हुई थी, तो उस पर काफी रिपेयर का काम उसकी माँ ने किया था, राइट. सो इट ऑब्वियसली डिड नॉट लुक वेरी अट्रैक्टिव. तो ही वॉज नो लॉन्गर एज निम्बल. निम्बल का मतलब यू नो जल्दी से फुर्तीला नहीं था, एंड श्योर फुटेड एज बिफोर. श्योर फुटेड निम्बल मीन्स द सेम थिंग, समथिंग which can move very fast and very confidently. I sat him down on the coffee table. I could hear the skittering steps of the other animals behind in the hallway, timidly peeking into the living room. तो उसका imagination हो रहा है कि बाकी के जो जानवर हैं वो भी देख रहे हैं कि ये शेर आखिरकार किस तरह से, शेर या बाघ किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करता है मेहमान के सामने. Zio Laho, I said and stopped. I switched to English. This is Tiger. Cautiously, Laho strode up and purred at Mark, sniffing his hands. Mark examined the Christmas wrap pattern of Liao's skin. That does not look like a tiger at all. Your mom makes toys from you from trash. यानी कि जो कचड़ा है उसमें से माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खिलौने बनाती है. So he's very distinct because he comes from a more rich family and he gets toys which are from the market. I had never thought of Liao as trash. So मेरे जहन में कभी ये बात नहीं आई कि ये जो मेरा बाघ है, टाइगर है, ये एक कचड़े का सामान है. ओके, सो दैट इज समथिंग कम्स एज अ शॉक टू हिम. लेकिन उसको देख के मुझे लगा कि हाँ सही, ये तो सिर्फ एक रैपिंग पेपर है, इसका स्किन तो शेर की तरह लगता भी नहीं है, टाइगर की तरह लगता भी नहीं है, ये तो क्रिसमस ट्री का प्रेजेंट का रैपिंग पेपर है. तो मार्क पुश्ड ऑबी-वैन्स हेड अगेन, द लाइट्स अबर फ्लैश्ड, ही मूव्ड हिज आर्म्स अप एंड डाउन, यूज द फोर्स. तो उसने अपने खिलौने को कहा कि तुम उस शेर को अटैक करो, लेकिन टाइगर उसके ऊपर पाउंस किया, नॉकिंग द प्लास्टिक फिगर ऑफ द टेबल, इट हिट द फ्लोर एंड ब्रोक, एंड ऑबी-वैन्स हेड रोल्ड अंडर द काउच. राव, लाहो लाफ्ड, आई जॉइंड हिम. मार्क पंच्ड मी हार्ड. दिस वाज वेरी एक्सपेंसिव, यू कांट इवन फाइंड इट इन द स्टोर्स नाउ, इट प्रोबब्ली कॉस्ट मोर देन व्हाट योर डैड पेड फॉर योर मॉम. दैट्स अ वेरी रूड थिंग टू से. ही सेज कि इस खिलौने की कीमत उस कीमत से ज्यादा थी जो कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी माँ के लिए पेड किया. इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपने उस पड़ोसी के बच्चे ने अपने घर पर ये बातें सुनी थी कि इसकी माँ को एक कैटलॉग से इसके फादर ने पैसे देकर खरीद कर यहां पर लाए थे और अपनी बीवी बनाया, राइट. सो ही वॉज काइंड ऑफ यू नो काइंड ऑफ हिटिंग एट अ रॉ स्पॉट. और ये जानकारी शायद इस बच्चे को इतनी नहीं थी, तो यू नो देर वॉज ही वॉज हिटिंग अ रॉ नर्व. आई स्टम्बल्ड एंड फेल टू द फ्लोर. लाउ ग्राउल्ड एंड लेप्ट एट मार्क्स फेस. Mark screamed more than out of fear and surprise than pain. Lahu was only made of paper after all. So he's saying that, you know, the tiger jumped at him and kind of attacked him for having punched Jack in the face. So Mark grabbed Lahu and his snarl was choked off as Mark crumpled in his hand and tore him in his half. So usne usko faad diya and threw him out. Here is your stupid cheap Chinese garbage. After Mark left, चाइनीज गार्बेज को ऑलमोस्ट एक गाली की तरह इस्तेमाल किया गया है.
After Mark left, I spent a long time trying without success to tape together the pieces. तो मैंने कोशिश की कि टेप से मैं वापस उस टाइगर को वापस उसको उसमें जान लाऊं, लेकिन ये हो नहीं पाया. And I meant to refold Lao. Slowly the other animals came into the living room and gathered around us, me and the torn wrapping paper that used to be Lao. My fight with Mark did not end there. Mark was popular at school. I never want to think again about the 2 weeks that followed. तो इसके बाद उसको स्कूल में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तरह से उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया. उसके अगेंस्ट एक तरह की यू नो दिस इज द गाय एंड ही हैज ऑल दिस बैकग्राउंड एट होम, उस तरह की बातें शायद स्पेंड हो गई. तो उसके जो अगले 2 हफ्ते थे उसके लिए काफी मुश्किलों वाले थे. एक दिन वो घर पे आया शुक्रवार को. And he said, "Zhao Hao Ma." Okay, mom asked. इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? इसमें इस particular PDF में वो word meanings नहीं है. एक मिनट. How was school? She's asking him. School कैसा था? Okay. I said nothing and went to the bathroom. I looked into the mirror. I look nothing like her. Nothing. So he's saying. He's trying to reinforce and trying to convince himself कि मैं अपनी माँ की तरह नहीं दिखता हूं. Okay. उस दिन रात को खाने खाते वक्त he asked dad कि क्या मेरी शकल चाइनीज शकल है. चिंकी इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड वर्ड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड. डैड पुट डाउन हिज चॉपस्टिक्स इवन दो आई हैड नेवर टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड इन स्कूल. उसके फादर को समझ में आ गया कि कुछ हुआ है स्कूल में. He says, no, तुम ऐसा नहीं दिखते हो. So he says, माँ को कुछ समझ में नहीं आया. And she asked, what does chink mean? Okay. So he says, speak in English. What happened? I pushed the chopsticks and the bowl before me away, stir fried green peppers with 5-spice beef. We should eat American food. कि हमको अमेरिकी खाना ही खाना चाहिए, चाइनीज खाना नहीं खाना चाहिए. And dad ने कहा कि काफी सारे परिवार हैं जो कि चाइनीज खाना भी खाते हैं, वो चाइनीज भी पकाते हैं, राइट? आई मीन इवन वी इन इंडिया डू दैट, राइट? ही सेज वी आर नॉट अदर फैमिलीज, हम दूसरे परिवारों जैसा नहीं है. और इसका कारण क्या है कि दूसरे परिवारों के पास ऐसी माएं नहीं है जो कि यहां को बिलोंग नहीं करती हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए. ओके कि दूसरे परिवारों के पास ऐसी माएं नहीं है. एंड इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट बिकॉज It is talking about the experience of being a child of immigrants. यानी कि एक ऐसी माँ जिसका कि जन्म चाइना मेनलैंड में हुआ, वहां से हांगकांग में इसको स्मगल करके लाया गया और हांगकांग से शादी करके उसके पिताजी उसको यहाँ पर कनेक्टिकट यूएसए में लेके आए. सो इट्स शी इज नॉट ए नेचुरलाइज्ड अमरीकी नहीं है, शी इज अ चाइनीज कन्वर्टेड, आई मीन मैरिड टू एन अमेरिकन. तो उसको लगता है कि बाकी घर में सो ही मेजर थिंग इज दैट मैं इस जगह को बिलोंग इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी माँ चाइनीज है जो कि अमेरिका में बिलोंग नहीं करती है. तो उसको एक तरह की शर्म है. और काफी सारे बच्चे एंड स्पेशली इन द टीनेज दिस थिंग वी गो थ्रू दिस फेज यू नो वेयर वी आर अ लिटिल एम्बैरस्ड ऑफ आवर पेरेंट्स. एंड आई मस्ट टेल यू एज अ पेरेंट माई सेल्फ एंड एज अ सन माई सेल्फ वन शुड नेवर डू दैट बिकॉज जिंदगी में एक बात का ध्यान हमेशा रखना, देयर विल बी नोबडी And I repeat, nobody in capital letters underlined. Even your brothers and sisters. The only people who will always support you, जो कि आपका समर्थन आपको support हमेशा करेंगे, कम वट में आपने गलती की भी हो, कुछ भी हुआ हो, आपका सबसे खराब फेस चल रहा हो, आपको जो support करेंगे वो होंगे आपके माँ बाप. इस बात का ध्यान हमेशा रखना. एक we generally feel कि यार दोस्त आते हैं, Your mother comes and says, you know, कि क्या लोगे, कैसे हो, पढ़ाई कैसे चल रही है, स्कूल में क्या चल रहा है, घर में सब कैसे हैं. यू फील कि नो कि माँ जल्दी से खत्म करे और दूसरे रूम में जाए ताकि यू नो आई फील अ लिटिल एम्बैरेस्ड अबाउट हाउ माई मदर लुक्स, हाउ शी स्पीक्स एटसेट्रा, शी वेदर शी स्पीक्स द लैंग्वेज प्रॉपरली, वेदर शी इज ड्रेस्ड प्रॉपरली, यू नो देयर इज अ सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. लेट मी टेल यू दैट बिकॉज वेन यू बिकम पेरेंट्स यू मे ऑल्सो फील Face the same kind of thing. So never be embarrassed of your parents because your parents aapke sabse badi poonji hai. They are your biggest cheerleaders. They are your biggest support gang. Kuch bhi ho jaye, your mother and father will never let you down. I can tell you that. So this is something which you should always remember.
यहां पर जैक को लगता है कि दैट ही इज एम्बैरस्ड, उसको एक तरह का तो एक तरह की शर्म महसूस हो रही है अपनी मां को लेकर, राइट। सो और क्यों, क्योंकि उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, क्योंकि वो चाइनीज है, उसको ये भी लगता है कि मैं चाइनीज लगता हूं, इसलिए मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है बाकी बच्चों द्वारा, राइट। और जो खिलौना बनाया गया उसको ट्रैश से बनाया गया, गार्बेज से बनाया गया, उसको चाइनीज गार्बेज बोला गया। तो एक तरह से ये पूरा जो रेसिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेजुडिस है, इन सभी बातों को एम्फसाइज करता है। इन तीनों शब्दों का आप इस्तेमाल भी अपने आंसर्स में कर सकते हैं। सो हिज क्लासमेट्स आर मेकिंग फन ऑफ हिम फॉर हिज चाइनीज हेरिटेज, और उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम यहां पर अमेरिका में बिलोंग नहीं करते हो, बिकॉज तुम्हारा 50% तो चाइना का है, राइट। सो दैट इज व्हाट ही इज बीइंग मेड टू फील एट स्कूल। सो डैड ने बोला मॉम को कि मैं तुम्हारे लिए कुकरी का बुक लेके आ जाऊंगा ताकि तुम अमरीकी डिशेस बना सको। मॉम टर्न टू मी एंड सेड द फूड डजंट टेस्ट गुड, क्या खाना अच्छा नहीं है। अगेन दिस टाइम द सन सेज स्पीक इंग्लिश, मॉम रीच्ड आउट टू टच माई फॉरहेड फीलिंग फॉर माई टेम्परेचर, की क्या तुमको बुखार तो नहीं है, वाई इज ही शाउटिंग। एंड ही शी सेज डू यू हैव अ फीवर, I brushed her hand away. I am fine. Speak English. I was shouting. Speak English to him. Dad said to mom, you know, this was going to, ये तो होना ही था एक दिन कि अगर तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी तो तुम हमारे बच्चे के साथ जो कि यहाँ पर अमरीका में बड़ा हो रहा है उसके साथ तुम बातचीत करने में असमर्थ रहोगी। You will not be able to speak to him. तुमको उसमें तकलीफ होगी, right? So mom dropped her hands to her side. She looked, because she is looking very exasperated. Okay, she tried to speak, stopped and tried again and stopped again. You have to, dad said, I have been too easy on you. I have been too easy on you is, you know, मैंने तुम्हारे ऊपर कभी दबाव नहीं डाला कि तुमको अंग्रेजी सीखना चाहिए था, लेकिन अभी तुमको एहसास हो रहा है क्योंकि तुम्हारा खुद का बेटा तुमसे कह रहा है कि तुम उससे अंग्रेजी में ही बात करो। तो जैक नीड्स टू फिट इन, जैक नीड्स टू फिट इन मतलब उसको इस अमरीकी समाज में फिट होना है। अगर वो फिट नहीं होगा तो उसको आउटसाइडर माना जाएगा, उसके स्कूल में उसके साथ मजाक किया जाएगा, उसको एक तरह से डिस्क्रिमिनेटेड फीलिंग, डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आएगी। मॉम लुक्ड एट हिम, इफ आई से लव आई फील हियर, ओके, आई का मतलब है, ए आई का मतलब है प्यार। अगर मैं प्यार के बारे में बोलती हूं तो मैं उसका एहसास मुझे यहां पर दिल में होता है। सो व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज दैट प्यार को कन्वे करने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है, स्पेशली एक माँ के प्यार को कन्वे करने के लिए किसी भाषा की जरूरत कतई नहीं है, ओके। So she says, if I say I feel here, she put her hand over her heart. It's such an emotional line. Dad shook his head. You are in America. Lekin tum America mein ho. Mom hunched down in her seat, baith gayi niche, looking like the water buffalo when Lahu used to pounce on him and squeeze the air out of life of him. Yani ki, aisa lag raha tha, you know, ki puri ek tarah se the world is coming crumbling around her. Right? Ki, you know, even her husband is not able to recognize the love that she has for her son, and I want some real toys. Aur ye bachcha bolta hai ki mereko asli khilone chahiye, because he wants to be the same as her. He wants to be belonging there. To usko wohi karna chahta hai, aur humme se bhi kafi sare bachche aise hi karte hain. You know, hum wohi karna chahte hain jo baki kare, taki ek herd mentality rahe. Humme se koi alag nahi rehna chahta, because jab alag rahenge tab dar lagta hai ki baki log milkar hamara mazak udayenge. To hum alag rehne ki वो साहस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अलग होने पर, कि जो हमारे पास अलग है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ इज समथिंग विच इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल। अगर आपको लगता है कि जो तुम्हारे पास है, इवन इफ इट इज अलग फ्रॉम एवरीवन, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो उस पर डटे रहो। किसी के पूरे ग्रुप पे, पूरे भीड़ में मिलने की जरूरत नहीं है, राइट। वो एक डायलॉग है एक फिल्म का, शिवाजी फिल्म का, रजनीकांत फिल्म का, ओके। तमिल में बोलते हैं, पन्नीगलदा कूटमा वरम सिंगम रेपुरम सिंगलादा वरवन, यानी कि सिर्फ सुअर ग्रुप में आते हैं, लायन ऑलवेज वॉक्स अलोन, वो रजनीकांत का डायलॉग है, विद दिस हैंड मूविंग लाइक दैट, राइट। सो डैड बॉट मी ए फुल सेट ऑफ स्टार वॉर एक्शन फिगर्स, आई बेक द गेम, जो वो टूटा था उसने वो मार्क को दे दिया। आई पैक द पेपर मैनेजरी इन अ लार्ज शू बॉक्स एंड पुट इट अंडर द बेड, तो उसने उसको पैक ऑफ कर दिया कि अब उसको मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। और अगले सुबह, अब ये कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, सारे जो जानवर थे उस बॉक्स में से निकल गए थे, लेकिन उसने
फिर से उनको पकड़ा और वापस डाला और इस बार उस बक्से को बंद भी कर दिया। लेकिन उस बक्से के अंदर वो काफी शोर मचा रहे थे, मे बी बिकॉज द एयर वॉज स्टिल विद देम, कि उसने एटिक यानी कि एक ऐसा पोर्शन ऑफ द हाउस जहां पर पूरा स्टोर हाउस की तरह डाल सकते हैं, वहां पर डाल के उसको छोड़ दिया ताकि वो दिखे भी नहीं सुनाई भी ना पड़े। अगर मेरी माँ ने फिर से मेरे से चाइनीज में बात की तो मैं उसकी बात का जवाब नहीं देता था। सो ही रिफ्यूज टू आंसर हिज मदर इफ शी स्पोक टू हिम इन चाइनीज। लेकिन उसका जो एक्सेंट था, बात करने का जो एक्सेंट था और ब्रोकन सेंटेंसेस से उसको काफी शर्म महसूस होती थी। दे यूज्ड टू फील एम्बैरेस्ड, यू नो शी वुडंट स्पीक प्रॉपर सेंटेंसेस, राइट। आई ट्राइड टू करेक्ट हर, इवेंचुअली शी स्टॉप्ड स्पीकिंग ऑल टुगेदर इफ आई वॉज अराउंड। तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता था उनकी इंग्लिश को, लेकिन उससे वो कितनी कॉन्शियस हो जाती थी कि उसने एक तरह से बात करना ही बंद कर दिया इफ आई वॉज अराउंड। सो दैट इज अगेन समथिंग, सी अ लॉट ऑफ पीपल मेक फन, यू नो कि ओ शी डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इट डज नॉट मैटर। इफ शी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनको कोई और रीजनल भाषा काफी अच्छी तरह से मालूम होगी। शायद पंजाबी ज्यादा अच्छी तरह से मालूम होगी, शायद मलयालम ज्यादा अच्छी तरह से मालूम होगी, शायद बंगाली अच्छी तरह से मालूम होगी। तो ऐसा नहीं है, भाषा इज जस्ट ए वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल। सो इट्स ऑल अबाउट, लाइक मुझे लगता है कि शायद काश मेरी तेलुगु ज्यादा अच्छी होती, काश मेरी तमिल और भी ज्यादा अच्छी होती, राइट, जितनी अच्छी मेरी अंग्रेजी है, राइट, हिंदी ठीक ठाक है बिकॉज मैं दिल्ली में बड़ा हुआ था। लेकिन यू नो इट्स ऑलवेज लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको कभी भी मेन पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड एग्जिस्टेंस नहीं बनाना चाहिए। मॉम बिगैन टू माइम थिंग्स इफ शी नीडेड टू लेट मी नो समथिंग, माइम का मतलब इशारों में बातचीत होती थी। शी ट्राइड टू हग मी द वे शी सॉ अमेरिकन मदर्स डू ऑन टीवी, तो टीवी पर जिस तरह से अमेरिकी मदर्स अपने बच्चों को हग करती थी उस तरह से वो करने की कोशिश करती थी, बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्टेड टू बिलोंग। क्यों? बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट हर सन टू फील डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, बिकॉज वो अपनी बेटे के साथ उस रिश्ते को कायम करना रखना चाहती थी, उसके साथ उस रिश्ते को रिपेयर करना चाहती थी, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द जेस्चर्स दैट शी वाज मेकिंग। सो जस्ट लुक एट द टर्मोइल कि वो बात नहीं कर पाती है बिकॉज द सन डज नॉट लाइक इट एंड बिकॉज शी इज नॉट एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश एंड ही इज वेरी एम्बेरेस्ड अबाउट इट। तो उसने बात करना बंद कर दिया, वो इशारों में बात कर रही है एंड शी समहाउ मेकिंग एन एफर्ट कि अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता एक तरह से ठीक ठाक हो जाए, राइट। सो लुक एट द वे शी इज फीलिंग ऑलमोस्ट डेस्परेट फॉर इट। आई थॉट हर मूवमेंट्स एग्जैजरेटेड, लेकिन इस थर्ड रेट फेलो को देखो, इसको लगता है कि यू नो ये कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रही है, एग्जैजरेट कर रही है, राइट। अनसर्टन रिडिकुलस ग्रेसलेस, यू नो उसको लगता है कि यू नो मैनर्स नहीं है और ये काफी इडियोटिक लगता है। सो हिज पर्सपेक्टिव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मदर्स पर्सपेक्टिव इज, और काफी खराब है, काफी नेगेटिव है, राइट। शी सॉ दैट आई वॉज एनॉयड एंड स्टॉप, तो उसको माँ को पता चल गया कि बेटे को ये पसंद नहीं आ रहा है, तो उसने वो करना भी बंद कर दिया। डैड ने कहा, नाउ डैड इज सेंसिटिव, उसने कहा कि तुमको अपनी माँ को इस तरह से, इस तरह का बर्ताव अपनी माँ की तरफ नहीं करना चाहिए। बट ही कुडंट लुक एट मी इन द आईज एज ही सेड इट, डीप इन हिज हार्ट ही मस्ट हैव रियलाइज्ड इट वाज अ मिस्टेक टू हैव ट्राइड टू टेक अ चाइनीज पेसेंट गर्ल एंड एक्सपेक्ट हर टू फिट इन द सबर्ब्स ऑफ कनेक्टिकट। तो इसको लग रहा है, ये इसका पर्सपेक्टिव है, इसको लगता है कि बाप को भी ये रियलाइज हुआ होगा कि उसने गलती की कि एक चाइनीज किसान लड़की को वहां से निकालकर यूएसए में फिट करने की जो कोशिश पिताजी ने की है वो गलत की है। तो ही इज ट्राइंग टू थिंक एंड ही थिंक्स हिज फादर मस्ट हैव रियलाइज्ड इट। ओके, मॉम लर्न टू कुक अमेरिकन स्टाइल, आई प्लेड वीडियो गेम्स एंड स्टडीड फ्रेंच, तो उसको फ्रेंच पढ़ना मंजूर है लेकिन चाइनीज पढ़ना मंजूर नहीं है। चाइनीज पढ़ना मंजूर नहीं है बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू हैव एनी कनेक्ट विद हिज मदर्स बैकग्राउंड, लेकिन फ्रेंच पढ़ने को वो तैयार है। तो इट शोज, व्हाट डज इट शोज, इट शोज अ हिपोक्रिटिकल नेचर ऑफ द ऑथर ऑफ द नैरेटर। एवरी वंस इन अ व्हाइल आई वुड सी हर एट द किचन टेबल स्टडिंग द प्लेन साइड ऑफ अ शीट ऑफ रैपिंग पेपर, लेटर अ न्यू पेपर एनिमल वुड अपीयर ऑन माय नाइट स्टैंड। तो वो फिर से वो ओरिगामी से मेनेजरी बनाती रहती थी, लेकिन इसको पसंद नहीं था, उसमें से वो हवा निकाल के वो एटिक में उस बक्से में डाल देता था। मॉम ने फाइनली उन जानवरों को बनाना
बंद कर दिया जब तक ये हाई स्कूल में गया, लेकिन तब तक उसकी अंग्रेजी बेहतर हो गई थी, लेकिन मैं उस एज पर पहुंच गया था जहां पर मुझे मेरी माँ की बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इवन इफ शी स्पोक इन इंग्लिश, चाइनीज में बात करे या अंग्रेजी में बात करे, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो एक तरह से जो एक रिश्ता था वो रिश्ता बिखर गया था, दे हैड बिकम अपार्ट, देयर वाज नो कॉन्वर्सेशन, नो कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द मदर एंड द सन, ऑल बिकॉज ऑफ हाउ ही परसीव्ड हिज मदर। समटाइम्स व्हेन आई केम होम एंड सॉ हर टाइनी बॉडी बिजली मूविंग अबाउट इन द किचन सिंगिंग ए सॉन्ग इन चाइनीज टू हरसेल्फ, इट वॉज हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट शी गेव बर्थ टू मी। तो मुझे यू नो हार्ड फॉर मी मीन्स उसको ऑलमोस्ट ए सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट होता था कि अरे इस माँ ने मेरे को जन्म दिया था, वी हैड नथिंग इन कॉमन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फ्रेज, कि हमारे बीच में कुछ भी समांतर नहीं था, ये शायद चंद्रमा से आई हुई हो। मैं अपने कमरे में जाता और आई वुड कंटिन्यू माई ऑल अमेरिकन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सिर्फ उसको सिर्फ अमरीकी चीजों में ही दिलचस्पी थी, उसके चाइनीज बैकग्राउंड में इंक्लूडिंग हिज मदर ही हैड नो इंटरेस्ट। ओके, डैड एंड आई स्टूड वन ऑन ईच साइड ऑफ मॉम, नाउ द मदर इज ऑन हर डेथ बेड, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, मॉम इज ऑन हर डेथ बेड एंड दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इमोशनल पार्ट ऑफ द स्टोरी, द सेकेंड हाफ, लाइंग ऑन द हॉस्पिटल बेड, शी वॉज नॉट येट इवन 40, यानी कि अगर 1957 में उनका जन्म हुआ जो अभी बताया जाएगा, ये 1997 के पहले की बात है, ओके, दैट उनका आई मीन शी हैड नॉट येट टर्न्ड 40, बट शी लुक्ड मच ओल्डर, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा लग रही थी। और ये ऐसा होता क्यों है? सी इन ह्यूमन बींग्स के लिए, इवन फॉर एनिमल्स, लव एंड अफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you have a pet and you keep petting the dog a lot, you find that the dog also looks more healthy, more happy, more active. Same goes for human beings. You know, if you have an elderly senior citizen grandparent and nobody talks to the grandparent, grandfather or grandmother, they're lonely all day. Nobody cares about them because there is no connect. You will realize that over a period of time, ek udasi si chha jati hai. There is nothing to look forward. It's almost like, you know, they're waiting for when they will leave this world. And that's not a very good state of being, right? So, maa ko bhi us tarah se lagne laga tha, ki, you know, there is nothing in life to look forward to. She looked, aur ek tarah se umar bhi jyada lagne lagi, even though she was not even 40 years old. For years, she had refused to go to the doctor for the pain inside her that she said was no big deal. By the time an ambulance finally carried her in, the cancer had spread beyond the limits of surgery. Toh usko cancer ho gaya tha. और सर्जरी से भी उसका समाधान नहीं हो पाता, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। लेकिन ये पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस अ लॉट कि नैरेटर के दिमाग में चल क्या रहा था। उसका दिमाग उस रूम में नहीं था, ही वॉज फिजिकली देयर प्रेजेंट विद द मदर बाय द साइड ऑफ हिज मदर, लेकिन उसका मन में कुछ और ही चल रहा था। It was the middle of the on-campus recruiting season, यानी कि वो उसका कैंपस में उसका रिक्रूटमेंट, उसको नौकरी मिलने वाली थी, एंड वॉज फोकस्ड ऑन कि रिज्यूमे मेरे को भेजना है, ट्रांसक्रिप्ट भेजने हैं, स्ट्रेट स्ट्रैटेजिकली कंस्ट्रक्टेड इंटरव्यू शेड्यूल्स की इंटरव्यू में मेरे को क्या बोलना है, कब शेड्यूल करना है। आई स्कीम्ड अबाउट हाउ टू लाइक कि मैं झूठ कैसे बोलूंगा उन रिक्रूटमेंट वालों को कि वो ताकि वो मेरे को नौकरी दे, राइट। आई अंडरस्टूड इंटेलेक्चुअली दैट इट वॉज टेरेबल टू थिंक अबाउट ऑल दिस, मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे को उस समय पर जब मेरी माँ अपने डेथ बेड पर है, जब उसका अंत होने वाला है, उस समय पर मैं अपनी ही बातों का सेल्फिशली और सेल्फ सेंटर्ड वे, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, मेरी नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे इंटरव्यूज के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे रिक्रूटमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये काफी सेल्फिश बात है करने के लिए, इट्स क्वाइट टेरिबल, बट दैट अंडरस्टैंडिंग डिड नॉट मीन आई कुड चेंज हाउ आई फेल्ट। लेकिन उस एहसास से भी मैं किस तरह से सोचता था उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। सो ही इज बीइंग वेरी kind of clinical in kind of understanding ki jo main soch raha hu ye galat hai, mujhe malum hai, lekin main aise hi soch raha hu us samay par. She was conscious. Dad held her left hand with both of his own. I leaned down to kiss her forehead. He seemed weak and old in a way that startled me. I realized that I knew almost as little about dad as I did about mom. To usko lagta tha ki dad hamesha meri side mein hai, dad bhi pasand nahi karte hain. Us din usko hospital mein usko pata chala ki dad bhi kafi माँ से प्यार करते हैं। There is a very deep understanding between them. There is a deep bond of love and affection
बिटवीन देम बिकॉज द वे ही रिएक्टेड उसको लगता था कि डैड भी मेरी साइड है लेकिन ऐसा नहीं था राइट मॉम स्माइल्ड एट हिम आई एम फाइन She looked, turned to me, still smiling. I know you have to go back to school. Her voice was still very weak and it was difficult to hear her over the hum of machines. So, काफी सारे जो machines hospital room में थे. Don't worry about me. This is no big deal. Just do well in school. I reached out to touch her hand because I thought that was what I was supposed to do. You see, he's almost being very formal. Formality के लिए उसको छूना है, तो उसको छूना है करके उसने किया. I was relieved. I was already thinking about the flight back and the bright California sunshine. तो वो already कैलिफोर्निया जाने के बारे में उसका दिमाग में चल रहा था She whispered something to dad. He nodded and left the room. Jack, if she was caught up in a fit of coughing and could not speak for some time. If I don't make it, मतलब अगर मैं मर जाऊं तो don't be too sad. ज्यादा उदास मत होना और अपनी स्वास्थ्य को खराब मत करना. Focus on your life. अपनी जिंदगी पर फोकस करो. सिर्फ उस बॉक्स जो है जो एटिक में तुमने जो बॉक्स रखा है उसको रखो एवरी ईयर साल में एक दिन एट क्विन मिंग विच इज द डे व्हेन यू नो पीपल स्पीक टू द डेड ओके जस्ट टेक इट आउट एंड थिंक अबाउट मी आई विल बी विद यू ऑलवेज क्विन मिंग वॉज द चाइनीज फेस्टिवल फॉर द डेड जिस दिन वो जो लोग मर गए हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते थे राइट तो ये एक तरह से उसकी आखिरी इच्छा है उसकी माँ की आखिरी इच्छा यह है कि उस बॉक्स में से उन एनिमल्स को निकालो और एक बार उनसे बात करो साल में सिर्फ एक दिन ओके और मेरे बारे में सोचो सो शी वांट्स हिम टू थिंक अबाउट हर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर राइट व्हेन आई वाज यंग मॉम यूज्ड टू राइट अ लेटर ऑन क्विन मिंग टू हर डेड पेरेंट्स बैक इन चाइना जब मैं छोटी थी माँ अपने पेरेंट्स को ऑन क्विन मिंग एक्चुअली खत लिखा करती थी telling them the good news about the past year of her life in America, right? She would read the letter out loud to me and if I made a comment about something, she would write it down in the letter too. So, ye ek tarah se pehle silsila tha, apne parents ko wo karti thi. Then she would fold the letter into a paper crane and release it facing west. We would then watch as the crane flapped its crisp wings on its long journey west towards the Pacific, towards China, towards the graves of mom's family. So, this was a belief ऑब्वियसली वो पहुंचेगा नहीं लेकिन एक बिलीफ था कि हमने अपने मैसेजेस अपने पेरेंट्स को जो कि नहीं है जो कि मर गए हैं उनको भेजा है दिस वॉज अ चाइनीज बिलीफ विच इज मदर यूज टू डू फॉलो इट हैड बीन मेनी इयर्स सिंस आई डिड दैट विद हर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द चाइनीज कैलेंडर ही सेड मुझे चाइनीज कैलेंडर का मालूम नहीं है क्विन मिंग कब आएगा मुझे नहीं मालूम है सो जस्ट कीप द बॉक्स विद यू एंड ओपन इट वंस इन अ व्हाइल जस्ट ओपन इट्स ओके Has he mama? I nahi. Okay. So this again means I means love. Isme he said is PDF mein wo likha nahi hai. Mom loves you. Okay. Her cough took over again. An image from years ago flashed into my memory. Mom saying I and then putting her hand over her heart. तो इसको वो वाला किस्सा याद है कि जब उसने कहा कि नो प्यार करने के लिए दिल की जरूरत है भाषा की जरूरत नहीं है किसी भी भाषा में लव इज लव ऑल राइट मॉम स्टॉप टॉकिंग डैड केम बैक एंड आई सेड दैट आई नीडेड टू गेट टू द एयरपोर्ट अर्ली बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू मिस माय फ्लाइट शी डाइड व्हेन माय प्लेन वाज समवेयर ओवर नेवाडा तो जब तक वो वापस कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले ही माँ का देहांत हो गया तो उसकी आखिरी इच्छा दिस इज इंपॉर्टेंट दैट शी वॉन्ट्स हिम टू कम्युनिकेट विद हर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर थिंक अबाउट हर डैड एज रैपिडली तो माँ के जाने के बाद मेरे फादर की काइंड ऑफ यू नो ही सीम टू काइंड ऑफ एज वेरी क्विकली द हाउस वॉज टू बिग फॉर हिम एंड हैड टू बी सोल्ड माई गर्लफ्रेंड सूजन एंड वेंट टू हेल्प हिम पैक एंड क्लीन द प्लेस सूजन फाउंड दिस शू बॉक्स इन द एटिक तो उसकी गर्लफ्रेंड को वो शू बॉक्स मिला द पेपर मैनेजरी हिडन इन द अनइंसुलेटेड डार्कनेस ऑफ द एटिक फॉर सो लॉन्ग हैड बिकम ब्रिटल एंड द ब्राइट रैपिंग पेपर पैटर्न्स हैड फेडेड तो काफी सालों से वो पेपर पैटर्न जो क्रिसमस के रैपिंग पेपर थे उनके कलर्स काफी फेड हो गए थे और जो कागज था वो काफी सख्त हो गया था आई हैव नेवर सीन ओरिगामी लाइक दिस सूजन सेड योर मॉम वाज एन अमेजिंग आर्टिस्ट दिस इज इंपॉर्टेंट यू नो उसको लगता है तो द नए पर्सन को लगता है कि उसकी माँ में इतना प्रतिभाशाली थी ओके टैलेंट था द पेपर एनिमल्स डिड नॉट मूव परहैप्स व्हाटएवर मैजिक हैड एनिमेटेड देम स्टॉप व्हेन मॉम डाइड सो जो पूरा मैजिक था पहले उसने बच्चे में कहा था कि अरे तुम तो मैजिक हो राइट सो जो मैजिक उसकी माँ के हाथों में था द वे शी क्रिएटेड
ऐसा लग रहा था कि माँ के जाने के बाद, माँ के देहांत के बाद वो जादू खत्म हो गया था. और perhaps I had only imagined that these paper constructions were once alive. The memory of children could not be trusted. तो उसको लगा कि शायद मुझे लगता था. So he is now thinking as an adult कि छोटे में मेरे को शायद लगता था ये सब जिंदा है. Whereas it was just my imagination. मेरी याददाश्त ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा. So this is how we realize that you know a lot of it was also mixed up with imagination. It may not have been true. It was the first weekend in April, 2 years after mom's death. ओके, सो मॉम के बनने के बाद 2 साल हो गए थे. सुजन शहर से बाहर थी. शी वाज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट. मैं टीवी देख रहा था और एक डॉक्यूमेंट्री देखी शार्क की. एंड सडनली मेरे को दिमाग में आया कि मेरे लिए एक शार्क भी बनाया था जिसके बारे में पहले हमने पढ़ लिया है. ओके, और आई लुक्ड अप एंड सॉ दैट अ बॉल ऑफ रैपिंग पेपर एंड टॉर्न टेप वाज ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू द बुक शेल्फ. आई वॉक्ड ओवर टू पिक इट अप फ्रॉम फॉर द ट्रैश. The ball of paper shifted, unfurled itself, and I saw that it was Lahu, who I had not thought about in a very long time. Rosa, mom must have put it back together after I had given up. He was smaller than I remembered because chote mein usko lagta tha ye kafi bada hai, lekin abhi usko pata chala ki actually ye kafi chota hai, right? Susan had put the paper animals around our apartment as decoration. She probably left Lahu in a pretty hidden corner because he looked so shabby. I sat down on the table and reached out a finger. Lau's tail twitched and he pounced playfully. I laughed, stroking his back. Lau purred under my hand. How have you been, old buddy? Old buddy means ye iske bachpan ka saathi hai. Lau stopped playing. He got up, jumped with feline grace. Feline is the word associated with cats. Okay, into my lap and proceeded to unfold himself. In my lap was a square of creased wrapping paper, the plain side up. It was filled with dense Chinese characters. So, usme Chinese mein, bhasha mein, kuch likha gaya tha. उस पेपर पे, उस कागज पे जिस कागज से लाहू को बनाया गया था, क्योंकि उसमें एक खत लिखा गया था. आई हैड नेवर लर्न टू रीड चाइनीज, हालांकि उसने फ्रेंच सीखा, बट आई न्यू द कैरेक्टर्स फॉर सन एंड दे वर एट द टॉप वेयर यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बी इन अ लेटर एड्रेस टू यू. तो उसको उस सन देखने से पता चला, जिस तरह से चाइनीज में लिखा था कि इसको ये बेटे को लिखा गया है, तो उसको पता चल गया कि ये उसकी माँ ने उसको खत लिखा है, लेकिन उसको चाइनीज भाषा पढ़नी नहीं आती थी. ओके, written, so only word he knew was sun. He knew the characters for sun. I went to the computer to check the internet. Today was Queen Ming. So, ye wo din tha jis din wo apne ancestors ko yaad karte the. I took the letter with me downtown where I knew the Chinese tour buses stopped. I stopped every tourist asking, ki, can you read Chinese? I had not spoken Chinese for so long that I wasn't sure if they understood. A young woman agreed to help. We sat down on a bench together and she read the letter to me aloud. The language that I had tried to forget for years came back and I felt the words sinking into me, through my skin, through my bones, until they squeezed tight around my heart. So this was the impact of the words on him. Ye Chinese bhasha jo usne suni thi apni maa se, lekin kai saalon se usne wo bhasha suni bhi nahi thi. To usko wo sari yaadein wapis aa gayi, uske dil ko chubhi, in the sense that you know everything was coming him. He was feeling emotionally moved because you see also that ye thoda sa bhi bada ho gaya hai. So there is a sense of slight bit more maturity than he was when he was in the 20s. Abhi iske baad pura ka pura chapter uski maa ka khat hai. We haven't talked in a long time. You are so angry when I try to touch you that I'm afraid. ओके, हमने कई दिनों से बात नहीं की है. जब मैं तुमको छूती हूं तो तुमको गुस्सा आता है. एंड आई थिंक मे बी दिस पेन आई फील ऑल द टाइम नाउ इज समथिंग सीरियस. और मुझे लगता है कि जो दर्द मुझे हो रहा है, जो उसको पता नहीं था कैंसर है, ये शायद थोड़ा सा ज्यादा गंभीर है. तो इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं तुमको ये खत लिखूंगी और मैं इसको इस कागजी जानवर में लिख रही हूं जो कि तुमको काफी पसंद था. द एनिमल्स विल स्टॉप मूविंग व्हेन आई स्टॉप ब्रीदिंग. ओके, जब मैं सांस लेना बंद कर दूंगी, ये जानवर हिलना बंद कर देंगे. क्यों? क्योंकि इनमें जो जान है वो जान मेरी सांस से है. सो देयर इज अ कनेक्शन, व्हाट आई सेड, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द एनिमल्स एंड द मदर. जब माँ नहीं रहती है, सो देयर इज नो लाइफ इन यू. ओके, सो यू नो इट इज नॉट विद द सेम मैजिक डज नॉट एग्जिस्ट. दे मे स्टिल मूव, बट दैट काइंड ऑफ मैजिक डज नॉट देयर. सो शी सेड द एनिमल्स विल स्टॉप मूविंग when I stop breathing. Okay, but if I write
to you with all my heart, I will leave myself, a bit of myself behind on this paper in this words. So uske jo shabd hai, that will be the only way there will be still some life, some bit of his mother in those paper animals. Then if you think of me on Quinming, when the spirits of the departed are allowed to visit their families, you will make the parts of myself I will leave behind come alive too. Okay, so she wants him to make the connection. The creatures I made for you will again leap and run and pounce, and maybe you will get to see these words then. Okay, so tab us din ye janwar thode move karenge aur shayad tum mere khat ko padhoge aur wahi hua. Because I have to write with all my heart, main Chinese mein likhna chahti hoon. Oof, such a long story. It's very emotionally also draining. वो गाना सुना है ना तारे जमीन का, तारे जमीन पर. मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां. यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं मैं मां. तुझे सब है पता है न मां, तुझे सब है पता मेरी मां. भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां. भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं मां. क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा हूं मैं मां. इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट इमोशनली मूविंग सॉन्ग्स दैट वन कैन थिंक ऑफ एसोसिएटेड विद द मदर. देयर इज अनदर ब्यूटिफुल तमिल सॉन्ग ऑफ रजनीकांत अगेन फॉर द मदर. I needed this break, otherwise I was getting very emotional. Now the mother tells her story. वो अपनी कहानी बताती है कि मेरा जन्म हुआ था 1957 में in Siglu village. In words को note कर लीजिए, Hebei province of China. वहां पर माँ के parents जो थे, इसके जैक के grandparents, they were very poor peasant families, किसान. With few relatives, only a few years after I was born, the great famine struck China, during which 30 million people died. Okay, the first memory I have of waking was to see my mother eating dirt so that she could fill her belly and leave the last bit of flour to me. Okay, so that was the kind of poverty during the famine, yani ki sukha jo pada tha. Things got better after that. Siglu is famous for his zeji paper craft. And my mother taught me how to make paper animals and give them life. So this is something which her mother has passed on to Jack's mother. This was practical magic in the life of the village. We made paper birds to chase grasshoppers away from the fields, and paper tigers to keep away the mice. So tigers or birds ko wahan ke jo insects hain taki woh fasal ki kharab na ho usko bhagane ke liye ye create kiye jate the. For Chinese New Year, my friends and I made red paper dragons. I will never forget the sight of all those little dragons zooming across the sky overhead, holding up strings of exploding firecrackers to scare away all the bad memories of the bad year, past year. You would have loved it. Then came the Cultural Revolution in 1966. Neighbor turned on, yani ki jab unki umar thi 9 saal. Neighbor turned on neighbor and brother against brother, yani ki us Cultural Revolution mein kafi skirmishes hue, kafi jhagda hua. Someone remembered that my mother's brother, my uncle, had left for Hong Kong back in 1946 and became a merchant there. Having a relative in Hong Kong meant we were spies. So, जो भी Hong Kong के साथ जिसका भी connection था, उनको वहाँ पर target किया जा रहा था, उनको माना जा रहा था कि वो लोगों के दुश्मन हैं, और इसकी जो माँ थी, she couldn't take the abuse and उसने
वहां पर आत्महत्या कर ली, एक कुएं में कूद पड़ी. देन सम बॉयज विद हंटिंग मस्केट्स ड्रैग्ड योर ग्रैंडफादर अवे वन डे इनटू द वुड्स एंड ही नेवर केम बैक. उसकी हत्या कर दी गई, यानी कि उसके नाना की. और मैं वहां पर उस समय पर 10 साल की अनाथ थी एंड द ओनली रिलेटिव आई हैड इन द वर्ल्ड वॉज एन अंकल इन हांगकॉन्ग. एक हांगकॉन्ग में एक अंकल थे और मैं वहां पर निकल गई और वहां से एक ट्रेन में चढ़ गई और वहां पर कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया जब वो खाना चुरा रही थी एक खेत से. और उनको उन्होंने जब उनको जब पता चला कि वो हांगकांग में जाने की कोशिश कर रही है तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा अच्छा दिन है क्योंकि हमारा काम है हांगकांग में लड़कियों को लाना. तो दे वर इन्वॉल्व इन फ्लैश ट्रेड इन इलीगल ट्रैफिकिंग. ओके, तो उन्होंने एक ट्रक में उसको छिपाया और उसको चाइना से हांगकांग की तरफ लेकर चले गए. ओके, वी वर टेकन इन टू अ बेसमेंट एंड टोल्ड टू स्टैंड अप एंड लुक हेल्दी एंड इंटेलिजेंट फॉर द बायर्स. सो उनको खरीदने के लिए आते थे. सो जो शुरू में था ना कमोडिफिकेशन, तो ये तो उससे भी खराब है. इट वॉज इन द फ्लैश ट्रेड एंड दे वर बींग कमोडिफाइड एंड बींग सोल्ड. दिस इज इलीगल ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग टेकिंग प्लेस. ट्रैफिकिंग का स्पेलिंग मालूम है? ये शब्द आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने आंसर्स में. TRAFFICKING. This is the spelling. Okay. So human trafficking, इस फ्रेज का इस्तेमाल आप अपने answers में कीजिए. Okay. Families paid the warehouse a fee and came by to look us over and select one of us to adopt. तो कहा जाता था कि adopt कर रहे हैं but basically खरीदारी होती थी. The Chin family picked me to take care of their two boys. तो दो बच्चों को, दो लड़कों को संभालने के लिए इसको adopt किया गया. हालांकि इसकी उम्र भी काफी कम ही थी उस समय पर, right? I fed and bathed the boys. I shopped for food. I did the laundry, कपड़े धोने का काम, फ्लोर को साफ करने का काम और सारा काम वहां पे करती थी. और अगर कुछ काम में गलती हो जाती थी या उसमें देरी हो जाती थी उसको मार खानी पड़ती थी. एंड इफ द बॉयज डिड एनीथिंग रॉन्ग, उस समय पर इसी को मार पड़ती थी. और अगर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करती थी तब भी मार पड़ती थी. क्योंकि अगर अंग्रेजी सीखने का मतलब ये था कि यू वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, अगर तुम पुलिस को बताओगे, हम पुलिस को पहले बताएंगे कि तुम इलीगली यहां पर हांगकांग में रह रही हो. ओके, सो सिक्स इयर्स आई लिव लाइक दिस, यानी कि 1966 से 6 साल 1972 तक. और 1973 में उसकी मुलाकात होती है उसके पिताजी से, जैक के पिताजी से, अपने हस्बैंड से. Six years I lived like this. One day an old woman who sold fish to me in the morning market pulled me aside. I know girls like you. How old are you now? 16. One day a man who owns you will get drunk and he will look at you and pull you to him and you can't stop him. The wife will find out and then you will think you really have gone to hell. You have to get out of this. So, tumko yahan se nikalne ki zarurat hai because tum yahan par ho. Ye ek tarah se it is hell. Ye bilkul hell ki tarah hai. पाताल की तरह है. तो यहां से तुमको निकलने की जरूरत है. ओके, शी टोल्ड मी अबाउट अमेरिकन मेन हु वांटेड एशियन वाइफ. सो अमेरिकी मेन जिनको की एशियन वाइफ की जरूरत थी, जो कि खाना बना सके, क्लीन कर सके एंड टेक केयर ऑफ माई अमेरिकन हस्बैंड, ही विल गिव मी ए गुड लाइफ. आई हैड एंड दैट वॉज हाउ आई गॉट इन टू द कैटलॉग विद ऑल दोस स्लाइस. तो इसी वजह से मैं कैटलॉग में अपना नाम दर्ज किया ताकि मेरी जिंदगी वहां से, उस नरक से बाहर निकलकर मैं बाहर आ सकू. ओके, इट इज नॉट ए वेरी रोमांटिक स्टोरी, लेकिन ये मेरी कहानी है. तो उसके जाने के बाद बेटे को, बिकॉज जब तक वो जीवित थी बेटे को उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी. अभी उसके मरने के बाद ही इज गेटिंग टू नो हर स्टोरी थ्रू दैट लेटर रिटन इन चाइनीज. इन द सबर्ब्स ऑफ कनेक्टिकट आई वॉज लोनली. योर फादर वॉज काइंड एंड जेंटल विद मी एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बट नो वन अंडरस्टूड मी एंड आई अंडरस्टूड नथिंग. मुझे कोई भी मेरे को समझता नहीं था. और तब तुम्हारा जन्म हुआ और मेरे को काफी खुशी हुई क्योंकि तुम्हारे चेहरे से मैं अपने आप को देख पाती थी, अपनी माँ को देख पाती थी, अपने फैमिली मेंबर्स को देख पाती थी. तो देयर वाज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, राइट? एवरीथिंग आई न्यू एंड लव्ड, बट देयर वर यू एंड योर फेस वाज प्रूफ दैट दे वर रियल. आई हैड नॉट मेड देम अप. सो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो मुझे तुम में दिखता था. नाउ आई हैड समवन टू टॉक टू. मैं किसी से बात कर सकती थी, मैं तुमको अपनी भाषा सिखा सकती थी और जो भी मैंने खोया था वो तुम्हारे साथ मैं रिक्रिएट कर सकती थी. जब तुमने पहली बार एक शब्द बोले चाइनीज में और उसी एक्सेंट में जिसमें कि मेरे माँ बाप बात करते, मेरी माँ और मैं बात करते थे, मैं उस दिन काफी रोई. आई क्राइड फॉर आवर्स व्हेन आई मेड द फर्स्ट जेरी एनिमल्स फॉर यू एंड आई लाफ्ड. आई फेल्ट देयर वर नो मोर वरीज इन द वर्ल्ड. यू नो कि मुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है. तुम काफी बड़े हुए, राइट? और मेरी जिंदगी
काफी अच्छी हुई और मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स भी यहाँ होते तो उनको भी मैं अच्छी जिंदगी दे पाती, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। यू नो व्हाट द चाइनीज थिंक इज द सैडेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड? इट इज फॉर अ चाइल्ड टू फाइनली ग्रो द डिजायर टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स ओनली टू रियलाइज दैट दे वर लॉन्ग गॉन, एंड दैट इज समथिंग विच आई वॉन्ट ऑल यू 16, 17 year olds to realize. There will come a time when our parents are not there. एक दिन ऐसा आएगा when our parents are not there. और तब तुम सोचोगे कि काश मैं अपनी माँ के साथ ये बात कह पाता, काश मैं अपने फादर के साथ ये बात कह पाता, लेकिन they will not be around for you to share that joy or share your sorrows with. Right? Which is why it's very important for you to always retain that connect with your parents. As I said, पूरे दुनिया में माँ बाप always तुमको डांटते होंगे, मारते तो नहीं आजकल, डांटते होंगे, गुस्सा करते होंगे, लेकिन that will be only for your good. Because there will be nobody in the world who would feel the same, feel happy for you, genuinely 200% feel happy for you as your parents do. Let me tell this to you. कोई जिंदगी कोई दुनिया में उतनी खुशी महसूस नहीं करेगा, unadulterated खुशी. बाकी खुशियों में there'll be a bit of jealousy, there'll be feel, अरे उसको मिल गया मुझे नहीं मिला. Parent will never feel like that. A parent will always feel better if you actually do better than them. अगर your father was earning X amount of money, you earn more than him, he will actually feel very proud. देखो मेरे बेटे ने ये हासिल किया, मेरी बेटी ने ये हासिल किया. So always go and hug your parents. That's why I say, you want to do well, don't do it for yourself, do it for your parents. The amount of pride and happiness you will see in your parents' eyes and face and body language, that joy cannot be measured in words. I cannot express it in words. So do that for your parents. I always say this. You want to do well, do it for that moment of pride and happiness in your parents. Do it for your parents. Because, you know, this line is so emotional. You know, ek bacche ke liye, he wants to take care of his parents. You think that, you know, when my parents grow old, when I become bigger, I will take care of my parents. But for your parents have to be there for that moment. I wish they are. But they should be around. God forbid if they're not around, who will you share that joy and sorrow with? So enjoy this moment. अभी का जो समय है, जैक ने वो गलती की, जब वो अपनी माँ को खुश रख सकता था, उस समय पर उसने उसको सिर्फ दुख ही दुख दिया. Even when she was dying before the age of 40, that stupid fellow was thinking more about his recruitment, about his interviews, about his job interviews, right? At that time, he did not take care of her. Now he's regretting reading this letter. He's regretting, you know, aisa kyun hua? And that's what the mother says. It is for a child to finally grow the desire to take care of his parents only to realize that they were long gone. Because uski mother ko wo ehsaas hua hai, uski mother ne suicide kar liya, uske father ka death, murder ho gaya. So she could not take care of her parents. Son, I know. Son, I know that you do not like your Chinese eyes, which are my eyes. I know you do not like your Chinese hair, which is my hair. तो तुम्हारे बाल हैं चाइनीज हैं, वो मेरे हैं. तुम्हारी आंखें चाइनीज हैं, वो भी मेरी देन है. But can you understand how much joy your very existence brought to me? He's talking about, you know, how much of joy your being on this earth meant to me, right? Because she was uprooted from her place and brought to a new country, and she was trying to find her space out there. But the person who was closest to her, because he was born out of her, he had rejected her. And you can understand how it felt when you stopped talking to me and won't let me talk to you in Chinese. I felt like I was losing everything all over again, because she had already lost everything. And the second time she lost, this is again a very important aspect of this story. I'm sorry, I'm getting a little emotional. ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टोरी का. द मदर हु लूजेस मेनी थिंग्स इन हर लाइफ
टू टाइम्स. तो आपको वो दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा. द फर्स्ट एस्पेक्ट व्हेन शी लूजेस एवरीथिंग, व्हेन शी मूव्स फ्रॉम चाइना टू हांगकांग, एवरीथिंग, हर पेरेंट्स गेटिंग आई मीन सुसाइड एंड मर्डर, एंड लेटर ऑन गेटिंग ट्रैफिक्ड आउट देयर टू अमेरिका. व्हाई वोंट यू टॉक टू मी सन, द पेन मेक्स इट हार्ड टू राइट. ओके, सो यहां पर उसका खत खत्म हो जाता है. The young woman handed the paper back to me. I could not bear to look into her face because she's obviously feeling very sheepish. She's feeling very guilty and emotional. Without looking up, I asked for her help in tracing out the character for I in on the paper below mom's letter. I wrote the character again and again on the paper, intertwining my pen strokes with her words. The young woman reached out and put a hand on my shoulder. Then she got up and left, leaving me alone with my mother. This is important. The letter has become the mother, right? Following the creases, I refolded the paper back into Lahore. I cradled him in the crook of my arm, and as he purred, we began the walk home. And they start walking back home. I hope this lamba video se aapko is story ka basic saar samajh mein aa gaya. So basically, it explores the themes of culture. It explores the theme of the emotional bonding between the son and the mother. जो एक संस्कृति का पॉइंट है, थीम है, उसको एक्सप्लोर करता है. परिवार का जो इम्पोर्टेंस है, एक माँ और बेटे के बीच का रिश्ता और परिवार का रिश्ता, उस बात को पूरी तरह से एक्सप्लोर करता है. और पूरा जो इमिग्रेशन का है, एक लड़का जो कि हाफ चाइनीज है, हाफ अमेरिकन है, उसका जो स्ट्रगल है, एक अमरीकी समाज में फिट होने का जो स्ट्रगल है, उस थीम को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर करता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी वेल, यू कैन दिस थिंग. और आंसर्स में मार्क्स लेने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि थीम्स के ऊपर अपने पॉइंट्स लिख लो, और जितने भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना हो, जो कि मैंने काफी सारे पॉइंट आउट किए हैं, उन सभी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो अपने आंसर्स में, ताकि आपको नंबर अच्छे मिल सके. ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.